हेलो फ्रेंड्स, हमारे आसपास ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि बहुमूल्य और मल्टीपर्पज होते हैं, लेकिन उनकी पहचान के अभाव में हम उनको जान नहीं पाते हैं। हमने सुना तो होता है उनके बारे में और हम उनकी विशेषताएं भी जानते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो कि बहुत ही क्वालिटीज़ रखता है। जी हाँ, साथ में इसके पेड़ के से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल बहुत से बीमारियों को दूर करने में, जैसे कि कब्ज़, एसिडिटी, मधुमेह और ब्लड प्रेशर को कम करने में किया जाता है। इसके साथ ही इसके फलों का सेवन आपको हार्ट स्ट्रोक से भी बचाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काफल की। जी हाँ, जिसे कटफल भी कहा जाता है उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में, इसको काफल कहा जाता है। काफल का साइंटिफिक नेम मेरिका एस्कुलाटा है। यह मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला सदाबहार वृक्ष है और बहुत ही हरा भरा रहता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। काफल का वृक्ष 1300 मीटर से 2100 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फल हैं ये बहुत ही दिव्य गुणों से भरपूर रहते हैं और औषधीय के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, इस समय इसके फल पकने का समय हो रहा है क्योंकि मई का महीना चल रहा है। इसके आपको हरे फल दिखाई दे रहे हैं, साथ में पके हुए देखिए ये लाल रंग के फल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब काफल पहाड़ी क्षेत्रों में पक रहा है। अब हम बताएंगे इसकी खासियत के बारे में आपको। इसके फल खट्टे, मीठे और रसीले होते हैं। कच्चे फल हरे और पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं और कहीं कभी कभी मैरून रंग के भी दिखाई देते हैं। फूल इसके गुच्छों में आते हैं और गुच्छों में ही इसके फल भी लगते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, इसका पेड़ ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं और इसके पेड़ को कोल्ड क्लाइमेट पसंद होती है। इसके फल में गुठली पाई जाती है। फल देख रहे हैं, इसके अंदर एक गुठली होती है और वो कठोर होती है। काफल पकने का जो मुख्य समय हमने आपको बताया वो मई का महीना ही है और इसके फलों को तोड़ने के लिए भी विशेष सावधानी बरती जाती है, क्योंकि फलों को तोड़ने के लिए टहनियों को हिलाकर और नीचे चादर बिछाई जाती है ताकि फल तोड़कर दाने के बाद उनमें रसीलापन बना रहे और फल तोड़ने के लिए विशेषकर टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। थैले या पोटली में रखने से काफल के जो ये दाने हैं ये पिचककर नीरस हो जाते हैं, तो आप लोग ये सावधानी ज़रूर बरतें। और जो हमारे फ्रेंड्स पहाड़ी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं या जिन लोगों ने भी के फलों को खाया है या जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या कभी कभार भी उनका अपने पैतृक गांव में जाना होता है या अपने जो मूल निवास है उस क्षेत्रों में जाना होता है, तो हमारी बात को समझ रहे होंगे। और इसके फल जब पक जाते हैं, पकने के बाद इनका स्वाद खट्टा मीठा और मिक्स टाइप का होता है।
इनके फलों को तोड़ने का जो तरीका होता है वो प्रातःकाल का है। कभी भी आप काफल के फलों को तोड़ें तो आप प्रातःकाल ही तोड़ें। और जो आप इसके कच्चे फल देख रहे हैं, हरे फल, इनका इस्तेमाल विशेषकर चटनी बनाने में किया जाता है। और इसके फलों से बनी हुई चटनी भी विटामिन्स मिनरल्स से भरपूर रहती है। पके हुए फल तो इसके बहुत ही पोषक तत्वों से युक्त होते ही हैं। साथ में इसके कच्चे फलों की जो चटनी बनाई जाती है वो विशेषकर विटामिन सी से भरपूर होती है। तो आप इसके फलों की चटनी का भी सेवन ज़रूर करें। काफल के जो फल होते हैं ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करने का काम करते हैं। और इसकी जो छाल है इसका एक विशेष कॉमर्शियल यूज भी है। इसकी छाल का इस्तेमाल चर्म शोधन टैनिंग के लिए किया जाता है। पारंपरिक तौर पर आज भी जो लोग चर्म शोधन का काम कर रहे हैं तो इसकी छाल का उपयोग करते हैं। देखिए आपको पेड़ का मुख्य तना दिखाई दे रहा है, तो आप अगर चर्म शोधन के कार्य से भी जुड़े हैं तो आप इसकी छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फल बहुत ही दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर रहते हैं। विशेषकर अगर आप इसके फलों का नियमित सेवन करते हैं सीजन में, क्योंकि इसका फल सीजनल ही होते हैं, तो आपको मधुमेह और हृदय रोग जैसे घातक बीमारियों से भी सुरक्षा मिलेगी। और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में अब बहुत से हमारी जो योजनाएं चल रही हैं जिनमें कि जो समूह के अंतर्गत हैं और जो निजी संस्थाएं हैं वो इसके फलों का जूस भी तैयार करती हैं। इनके जूस की बहुत डिमांड रहती है और ये एक स्वरोजगार और आमदनी बढ़ाने का भी अच्छा जरिया पहाड़ी क्षेत्रों में बन रहे हैं। तो आप इसके जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जूस आपको साल भर उपलब्ध भी रहेगा। सीजनल टाइम में आप इसके जूस को ख़रीद के रख लें और ये आपकी सेहत के साथ साथ आपको बीमारियों से भी बचाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ खास औषधीय गुणों की जो काफल में पाए जाते हैं। काफल का फल एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है। इसके साथ ही फलों का रस पाचन करने वाला होता है। अगर आपको पाचन संबंधी परेशानी है तो आप इसके फलों का या फलों के जूस का नियमित सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा इसके फल पेट के कई प्रकार के विकारों को दूर करते हैं। और मॉडर्न टाइम में आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेस या तनाव की समस्या आम होती है, तो अगर आप इसके फलों का किसी भी टाइप से सेवन करते हैं जूस के तौर पर भी, तो ये आपको बहुत सी मानसिक बीमारियों से भी बचाता है। काफल के फल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये फिजिकल के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। और इसकी पत्तियों की खासियत होती है, इसकी पत्ती तिकोनी होती है। देखिए पत्तियों का जो रंग है वो गहरा हरा होता है। आप इसकी पत्तियों से भी पहचान कर सकते हैं अभी हम। और इसका जो बार का जो होता है तना वो खुरदरा होता है। अभी हम थोड़ा पास से भी आपको दिखाएंगे इसकी पहचान। काफल के तने की जो छाल है इसका सार अदरक और दालचीनी का मिश्रण बनाकर अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको अस्थमा, डायरिया, बुखार, टाइफाइड, पेचिस और फेफड़े संबंधी बीमारियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इसका सार का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं अन्य सामग्री मिलाकर जो हमने आपको बताई। काफल का जो फल होता है
ये क्लाइमेट के अनुसार 3 महीने तक पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध रहता है, और लगभग 3 महीने तक जो स्थानीय लोग हैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए रोज़गार का एक साधन बनता है। गर्मियां जब शुरू हो जाती हैं तो भारत के तराई व अन्य क्षेत्रों से और विदेशों से भी पर्यटकों का रुख पहाड़ी क्षेत्र की ओर हो जाता है। तब सैलानी पहाड़ की ठंडी और सुरीली हवा के साथ काफलों के फलों का स्वाद लेते हैं। आपको रोड के किनारे भी गर्मी के मौसम में काफल बेचने वाले सेलर आसानी से मिल जाएंगे, तो आप इन फलों को अवश्य खाएं। काफल के फल शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं। और एक विशेष बात अगर हम आपको बताएं, अगर आप काफल का किसी न किसी प्रकार से निरंतर सेवन करें तो ये आपको कैंसर और हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारियों के खतरे से भी बचाता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है, पेट आपका खुल नहीं पा रहा है, तो इस परेशानी में भी आप काफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी में भी इसके फल आपको आराम देंगे। स्वरोजगार परक इस पेड़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार व वन महकमे को विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। विशेषकर जो जंगलों में आग लग जाती है उससे इस पेड़ को बहुत क्षति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है, तो इसको बचाने का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं काफल का पेड़, तो अभी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इसका बार का जो है खुरदरा होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, इसकी पहचान होती है, तो आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। ऐसी ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ पर विजिट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।